नमस्कार। पीएचडी का फॉर्म आया है और यूजीसी नेट का भी फॉर्म आया है और कई विश्वविद्यालयों का फॉर्म भी आया है। इस वीडियो को तभी देखिएगा जब आपने लगभग इसी विश्वविद्यालय का फरवरी के महीने में जो मैंने वीडियो बनाया था, फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के आसपास में, डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, दोनों वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तभी इस वीडियो में दी गई सूचनाओं को लिंकअप कर पाएंगे, नहीं तो सूचनाएं आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगी। पीएचडी का फॉर्म आया है, 1000 से ज़्यादा सीटें आई हैं, लेकिन लाखों बच्चों के लिए बुरी खबर भी है। 2 पेज का नोटिफिकेशन है, 20 मिनट नहीं लूँगा लेकिन 10 मिनट से कम भी नहीं लूँगा। गंभीर सूचनाएँ हैं, गंभीरता से सुनिएगा। पहली बात, 1 मिनट हो चुका है, 7 दिन हैं आपके पास आज का मिलाकर फॉर्म को भरने के लिए। बुरी खबर यही है, केवल 7 दिन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया है पीएचडी का चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश ने। 22 और 23 का सेशन का फॉर्म है और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको फरवरी 2022 के मेरे वीडियो देखने होंगे फर्स्ट और सेकंड वीक के, क्योंकि 8 और 9 फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के गवर्नर के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में ये ऑर्डर लागू किया गया था और पास भी किया, पहले पास किया गया फिर लागू किया गया था कि 22 के सेशन में उत्तर प्रदेश में जो भी पीएचडी के फॉर्म आएंगे उसके लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा रखी जाएगी। और इसकी रिसेंट सूचना 24 अप्रैल को एक अखबार में आई थी, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पढ़िएगा ध्यान से। सोचा था मैंने कि 24 को नोटिफिकेशन मुझे मिला था कि 26 को वीडियो बना दूँ, लेकिन मैं पूरा श्योर था कि यूपी है, यूपी में कुछ भी शांति से नहीं होता है और सहजता से तो भूल जाइए कुछ होता है। सूचना ये भी कहती है कि फॉर्म को भरने के बाद सीट मैं आपको बता दूंगा ठीक है, फॉर्म को फिलअप करने के बाद अगले 3 से 4 दिन में फॉर्म को बाय पोस्ट भी आपको भेजना है, फिलअप करने के बाद, फीस सबमिट करने के बाद, ठीक है। तो पहले तो आप फॉर्म को भरिएगा, लेकिन फॉर्म को भरने की भी सैकड़ों कंडीशंस हैं। मैंने कहा था ना वीडियो के 15वें सेकंड में कि हजारों सीटें हैं लेकिन लाखों बच्चों के लिए बुरी खबर है, क्या है आगे बताऊँ। सूचना का पहला भाग कहता है कि 1 मई, यानी कि आज 1 मई है ना, 1 मई से लेकर 7 मई 2022 के बीच में आप पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 7 मई ख़त्म होते ही, जैसे ही 8 मई लग जाएगी, फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे आप। बूझे नहीं बूझे तो फिर समझिए, 8 मई को फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ना ही 8 मई को फीस पेमेंट कर सकते हैं। 7 मई 2022 तक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पीएचडी का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। टाइमिंग नहीं दी गई है कि शाम 5 बजे है, रात 9 बजे है कि रात 12 बजे है, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन बहुत अधूरा है और 50 बातें ऐसी हैं जो इसमें बताई नहीं गई हैं और वही सवाल आप मुझसे करेंगे, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ तीसरी बार, इस वीडियो को समझने के लिए पुराने दोनों वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूँगा आपको। सूचना और कहती है कि फॉर्म को भरने के बाद 11 मई 2022 तक फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका कंफर्मेशन पेज, फीस स्लिप की कॉपी, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको बाय पोस्ट भी सबमिट करने हैं। और अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया, फीस को सबमिट किया लेकिन बाय पोस्ट नहीं भेजा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और जो फीस आप सबमिट करेंगे वह रिफंड नहीं होगी। फीस कौन सी? रजिस्ट्रेशन की फीस। फीस रजिस्ट्रेशन की 1500 रुपये, यानी कि 1500 रुपये एक फॉर्म की है, एक बच्चे के लिए। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, रेगुलर और डिस्टेंस बहुत प्रकार के कोर्स कराती है, सैकड़ों कोर्स करवाती है। और ये जो फीस है ना, PWD, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए है 1500 रुपये, लेकिन जो बच्चे जर्नल, OBC, EWS में आते हैं उनके लिए फीस थोड़ी और ज़्यादा है, 1500 नहीं बल्कि 2000 रुपये। आप सोच रहे होंगे मैं इतना स्लोली स्लोली खबर क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि
हंस के मैं खबर बता नहीं सकता आपको, क्योंकि हंसी बहुत आ रही है। एक जोक सुनाता हूँ। इस पीएचडी के फॉर्म को भरने के लिए यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हैं तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। इस बात को अब समझिए 24 अप्रैल की खबर से। 24 अप्रैल की खबर जो आई है कहती है कि जो भी सीटें आएंगी 1560 या 1519 से, उसमें से 40% सीटों पर एडमिशन उन बच्चों को दिया जाएगा जो प्रवेश परीक्षा पास करके जाएंगे और जिनके पास किसी प्रकार का नेट जेआरएफ स्कॉलरशिप नहीं है, ये खबर कहती है। और यही खबर की पुष्टि फरवरी 2022 का वह ऑर्डिनेंस भी करता है जिसमें कहा गया था कि एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास ली जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और उसको पास करने वाले विद्यार्थी को ही पीएचडी में एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाएगा या फॉर्म भरने के लिए। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आया है इसने किसी आदेश का पालन किया नहीं किया, इसका जवाब और ये सवाल कीजिएगा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से और सभी फैकल्टीज के डीन से, हेड से नहीं करेंगे। और मैं बहुत जानता हूँ कि वीडियो को देखने वाले सैकड़ों ऐसे बच्चे होंगे, उनके फ्रेंड्स होंगे, उनके ऐसे रिलेटिव होंगे जो इस विश्वविद्यालय से संबंध रखते होंगे। तो ये आपकी नैतिकता है, अगर नैतिकता के कुछ लक्षण हैं आपके दिमाग में, उनसे सवाल कीजिएगा कि अपने ही उत्तर प्रदेश सरकार ऑर्डर को क्यों नहीं मान रही है, क्योंकि ये फॉर्म 21 का नहीं है, 22 का है, क्लियर कट मेंशन है। ठीक है, एक और बात, 2016 का यूजीसी का ऑर्डिनेंस लागू होगा। ठीक है, 2009 का नहीं होगा, 2018 का नहीं होगा, 2020 का नहीं होगा, और रिसेंटली मार्च 2022 में जो पीएचडी का नया ऑर्डिनेंस आया है वो भी लागू नहीं होगा इस पर रेगुलेशन। ठीक है, पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022 लागू होगा केवल फॉर्म भरने को लेकर, गाइडलाइंस पुरानी लागू होगी। ठीक है, एक और बात, यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, आप जेआरएफ क्वालिफाई नेट क्वालिफाई हैं या एमफिल क्वालिफाई हैं या फिर आपने गेट किया है या सेट किया है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छी लगी खबर? और अच्छी लगेगी। अच्छी खबर ये है, एक एड्रेस मैं आपको बता रहा हूँ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिसर्च कॉमा असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिसर्च कॉमा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, ये मैंने एड्रेस बताया है आपको। अपने फॉर्म को भरने के बाद, फीस को सबमिट करने के बाद, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के बाद सभी को बाय पोस्ट इस एड्रेस पर आपको भेजना है। 11 मई 2022 लास्ट डेट है, लेकिन उससे पहले भेज दीजिएगा। बाय पोस्ट भेजना है, ईमेल से भेज सकते हैं कि नहीं, नहीं बताया गया। फिजिकल मोड पे जाके सबमिट कर सकते हैं, नहीं बताया। ठीक है, एक इसमें अब आती है, हम सीट बता देते हैं आपको क्योंकि अभी 5 मिनट और चलेगा वीडियो, सीटों को सुन लीजिए। सीटें इसमें दो प्रकार से बांटी गई हैं, कुछ सीटें कैंपस इसमें हैं यानी कि जो चौधरी चरण सिंह का कैंपस है उसके अंदर है, और बहुत सी सीटें यूनिवर्सिटी से बाहर जो कॉलेजेस है उसके अंदर है। ठीक है, जो सीटें कैंपस में हैं उनकी संख्या 123 है और जो सीटें कॉलेजेस में हैं उनकी संख्या 1429 है। तो 29 और 23 को पहले आप प्लस कर लीजिए, 52 हो जाता है। ठीक है, कितना? 52, और 52 में 1500 जोड़ दीजिए तो 1552 टोटल सीटें आई हैं। ठीक है, अब किस में कितनी सीटें हैं मैं आपको टोटल बताऊंगा और बाकी लिस्ट आपको दे दूंगा। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 6, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 5, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में 10, एग्रो इकोनॉमी में 18, बॉटनी में 61, केमिस्ट्री में 250, कॉमर्स में 50, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 22, डिफेंस स्टडीज़ में 13, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 25, इकोनॉमिक्स में 94, एजुकेशन में 102, इंग्लिश में 68, जेनेटिक्स एंड पीबी में 28, ज्योग्राफी में 11 यानी कि 11, हिंदी में 10, हिस्ट्री में 31, स्क्रीन देखूं कि आपको देखूं तय आप करिए, हिस्ट्री में 31, होम साइंस में 14, हॉर्टिकल्चर में 11, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 5, लॉ के अंदर 33, मैथमेटिक्स में
88, माइक्रोबायोलॉजी 6, म्यूजिक 6, फिलॉसफी 9, फिजिकल एजुकेशन ओनली एक सीट है जो कि कैंपस में फिजिकल एजुकेशन में। फिजिक्स में काफ़ी सीटें आई हैं, इनकी संख्या है 61 एंड 71। फिजिक्स में 171। पॉलिटिकल साइंस में गदर सीटें आई हैं, गदर जिसे बोलते हैं ना गदर लदर पदर, 112 सीटें हैं। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में है 45, संस्कृत में 24, सोशोलॉजी में 45, स्टैटिक्स में 40, टैक्सोलॉजी में 1, उर्दू में 2, जूलॉजी में 133। ये टोटल सीटें आपको बता दी। अब आते हैं और बुरी खबरों पे। कहा था 10 मिनट का, लेकिन थोड़ी और बातें सुन लीजिए। नोटिफिकेशन ये भी कहता है कि सीटों में परिवर्तन यूनिवर्सिटी कभी भी कर सकती है, स्पष्ट कह दिया है। पॉइंट नंबर 3, लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड टेंटेटिव वैकेंसीज आर अटैच्ड, और यह भी कह दिया है कि इसमें परिवर्तन भी हो जाएगा। पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फीस आपको बता दी, और एंट्रेंस किसी को नहीं देना है क्योंकि सारी सीटें एग्जाम्प्टेड हैं, सारी की सारी सीटें एग्जाम्प्टेड हैं, एंट्रेंस नहीं देना है, ठीक है। ये आपने देख लिया। एक और बात इसमें लिखी गई है, अप्लीकेशन फॉर्म रिसीव आफ्टर ड्यू डेट। अप्लीकेशन फॉर्म रिसीव आफ्टर ड्यू डेट का मतलब है यदि आपका अप्लीकेशन फॉर्म सभी डॉक्यूमेंट और फीस स्लिप का प्रूफ 11 मई के बाद पहुंचता है तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी फीस और डॉक्यूमेंट रिफंड नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 4, पेज नंबर 1। ज़्यादा और बुरी बातें भी हैं, वो नहीं बताऊँगा। सीटें आपने सुन ली, बड़े महीनों से नहीं, लगभग एक साल से वेट कर रहे थे कब फॉर्म आएगा, कब फॉर्म आ गया। आ गया फॉर्म, लड्डू बांट दीजिए, जाके जाइए। क्योंकि अभी जो नेट वालों ने एनटीए वालों ने कर्मकांड मचाए हैं ना, उनकी भी बात करनी है अगले वीडियो में। मेरी बातें अच्छी तो नहीं लगी होंगी, लेकिन आपको अच्छा आया या बुरा लगने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो सूचनाएँ आती हैं, एक प्रमाणिक रूप से अपने स्तर पर जो मेरी समझ है देने का प्रयास करता हूँ आप, क्योंकि मनोरंजन चाहिए आपको तो देखिए जाके न्यूज़ चैनल, और ज़्यादा मनोरंजन चाहिए तो राष्ट्रवाद की दुकान तो खुली है। दुनिया में कम, भारत में ज़्यादा, तो झंडा कर लीजिए बुलंद और कहिए जो आपके मन में हो। फॉर्म आया है भर दीजिएगा 7 मई से पहले, बाय पोस्ट भेज दीजिएगा 11 मई से पहले। फीस आपको बता दी, सीट बता दी, यूनिवर्सिटी का नाम तो आप जग जाहिर है। अगले वीडियो में देखते हैं किसकी बात करते हैं, DU की, JNU की, BHU की, या कुछ और नए कर्मकांड हैं, या NTA के नेट। जय हिंद, सलाम। लाइक करना हो लाइक करिए, डिसलाइक करना हो डिसलाइक करिए, सवाल पूछना हो सवाल करिए, हम तो जवाब दे ही देंगे। प्रशासन से उम्मीद मत कीजिएगा, ना ही आपके फ़ोन उठाएंगे, ना ही ईमेल का जवाब देंगे। और आपको भी लग रहा होगा वीडियो को मैं कितना खींच रहा हूँ च्युइंगम की तरह। मैंने कहा था ना, हजारों के लिए अच्छी, लाखों के लिए बुरी खबर है, और सैकड़ों को लगेगी मिर्ची इस वीडियो को देखने के बाद, और मिर्ची लगाने के उद्देश्य से ही वीडियो तैयार किया गया है। अगला वीडियो भी ज़बरदस्त मिर्ची वाला ही होगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा। और कमेंट करके मुझे लाइव का टाइम बताइए, कब आप लाइव सुनना चाहते हैं, डे के साथ टाइम और टाइमिंग के साथ, ठीक है। जय हिंद।